हरे कृष्णा। आज से हम जगन्नाथ भगवान के कुछ लीलाओं का, कुछ कथाओं का श्रवण करेंगे। भगवान जगन्नाथ लीला पुरुषोत्तम है और उनकी उनके भक्तों के साथ लीलाएं बहुत मशहूर हैं। जगन्नाथपुरी में आज भी भगवान पुरुषोत्तम लीलाएं करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। आज की पहली कथा है जिसका शीर्षक है भगवान जगन्नाथ और गीत गोविंद। एक बार जगन्नाथपुरी मंदिर के पास ही एक गांव है, तो उस गांव में एक लड़की, पद्मा नाम की लड़की, माली की बेटी थी, अपने बगीचे में बैंगन तोड़ रही थी। तो वो तोड़ के अपनी टोकरी में डाल रही थी और साथ साथ गीत गोविंद गा रही थी। पद्मा नाम की लड़की गाते गाते बैंगन तोड़ के अपनी टोकरी में डालते जा रही थी और चलती जा रही थी। तो ये आवाज, गीत गोविंद की आवाज, जगन्नाथ को मंदिर में सुनाई दी। जगन्नाथ बहुत मोहित हो गई आवाज सुन के। ढूंढते हुए वो भी पहुंचे कि कहाँ पे वो लड़की गा रही है, किसकी आवाज आ रही है। तो जब वो लड़की के पास पहुंचे तो उन्होंने मंत्रमुग्ध हो गए सुन के, तो उनके पीछे पीछे चलने लगे, उस लड़की के, पद्मा के पीछे पीछे भगवान चलने लगे और सुनते रहे गीत गोविंद। अब पद्मा को इस बात की जानकारी नहीं है कि उसके पीछे कौन चल रहा है। अब यहाँ पे भगवान जब चल रहे हैं तो जो बैंगन के पौधे हैं उन पौधों में अटक के भगवान के सारे वस्त्र फटने शुरू हो गए, क्षीण होने शुरू हो गए। अब वो फटे हुए वस्त्र के साथ ही भगवान जगन्नाथ चलते जा रहे हैं। फिर भगवान जगन्नाथ का दुपट्टा गिर गया वहीं उसी बगीचे में, लेकिन भगवान जगन्नाथ फिर भी चलते जा रहे हैं पद्मा का गीत गोविंद सुनने में, इतने मंत्र मुग्ध हैं। अब यहाँ पद्मा का सारा काम खत्म हुआ, पद्मा ने अपनी टोकरी फुल भरी बैंगनों से और वो चल अपने घर की ओर चल पड़ी। यहाँ जगन्नाथ ने भी गीत गोविंद सुना और वो वापस मंदिर की तरफ चल पड़े। अब मंदिर में पहुंचकर वो अपनी वेदी पे थे इस वक्त। अब सुबह का जब समय हुआ तो पुजारियों ने जब मंदिर खोला तो देखा भगवान के वस्त्र बिल्कुल फटे हुए हैं, और भगवान के वस्त्र इतने फटे हुए हैं कि ऐसा लग रहा है भगवान को रात के समय वस्त्र पहनाया ही नहीं, ये अब भूल गया कोई वस्त्र पहनाना। अब इस बात की जानकारी जाके सीधे राजा को दी गई। पुजारियों को पता लगा कि जगन्नाथ के वस्त्र फटे हुए हैं और दुपट्टा भी गायब है, तो उन्होंने राजा के पास पहुँच के फटाफट सारी जानकारी दी कि आज जगन्नाथ के वस्त्र फटे हुए हैं और जगन्नाथ का दुपट्टा भी गायब है और ऐसे हालात हैं जैसे जगन्नाथ को रात को वस्त्र सेवा की ही नहीं गई। तो राजा फटाफट मंदिर की तरफ दौड़े। राजा ने निर्जल उपवास शुरू कर दिया और उसके बाद जगन्नाथ के मंदिर में पहुंचकर जगन्नाथ के सामने दंडवत प्रणाम किया और बुरी तरह रोने लगे कि हे जगन्नाथ, ऐसी क्या भूल हमसे हुई कि आपके वस्त्र सारे फटे हुए हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। अब यहाँ पे जगन्नाथ के वस्त्र तो जगन्नाथ स्वयं फाड़े थे। जगन्नाथ ने राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और ये बताया कि पास वाले गांव में पद्मा नाम की लड़की रहती है जो गीत गोविंद बहुत सुंदर गाती है, और भगवान को उसका गीत गोविंद पसंद आया और भगवान वो सुनने गए थे, तभी वस्त्र फट गए। तुम लोगों की या पुजारी लोगों की कोई गलती नहीं है, तो अगर हो सके तो उस पद्मा नाम की लड़की को मंदिर में ले आए और मैं उनका गीत गोविंद हर रोज सुनना चाहता हूँ। अब राजा स्वयं वहां गए उस लड़की के घर कुटिया में कि, और उसके परिवार वालों से याचना की, आपकी पुत्री को मंदिर सेवा के लिए नियुक्त किया गया है जिसके अनुसार ये जगन्नाथ को हर दिन सोने से पहले गीत गोविंद गा के सुनाएगी और आपके रहने का, खाने पीने का सारा इंतजाम जगन्नाथपुरी में कर दिया गया है, आप सब लोग कृपया करके जगन्नाथपुरी में पधारें। अब जगन्नाथपुरी, पद्मा और उसका परिवार जगन्नाथपुरी में शिफ्ट हो गया, वहां पे रहने लगे। और पद्मा हर रात जगन्नाथ जब शयन के लिए जाते हैं तो उस शयन से पहले हर रात जगन्नाथ को गीत गोविंद सुनाने लगी। ये प्रतिदिन होता था, प्रतिदिन जगन्नाथ शयन से पहले पद्मा के मुख से गीत गोविंद सुनते थे। वही पद्मा फिर समय के साथ देवदासी कहलाई, बहुत प्रसिद्ध देवदासी कहलाई। देव मतलब हमारे जगन्नाथ और दासी मतलब उनकी दासी, और देवदासी के नाम से ही, पद्मा देवदासी के नाम से ही फेमस हो गई। तो ये हमारे जगन्नाथ के गीत गोविंद को लेके एक छोटी सी कथा है जो आज हमने सुनी। जगन्नाथ गीत गोविंद के इतने प्रेमी हैं कि उनको जब शयन वस्त्र जो पहनाया जाता है उसके ऊपर भी गीत गोविंद लिखा हुआ होता है। तो ये थे छोटी सी लीला जगन्नाथ भगवान की गीत गोविंद को लेके।
अगली कथा के साथ जुड़े हुए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।